कुंडर यूट्यूब सर चैनल लर्न द सीबीएसई वीडियोटेक बाबू। आज हम डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन के मास्टर क्लास पार्ट टू के बारे में, जिसमें आपको कुछ अलग तरह के फॉर्मूले देखने को मिलेगा। देख लीजिए, कुछ फॉर्मूले आपके लिए बनाकर लाए हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब सर चैनल लर्न द सीबीएसई वीडियोटेक बाबू। आज हम डिस्कशन करेंगे इंटीग्रेशन के मास्टर क्लास पार्ट टू के बारे में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ तीन फॉर्मूला। इस तीन फॉर्मूला लेकर हम कैसे इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला फॉर्मूला है, अगर इस तरह होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल डी एक्स, तो इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई टू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस, जो यहाँ है वही यहाँ है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का रूट ऑफ प्लस सी। अगर दो नंबर फॉर्मूला को जाएंगे तो यहाँ पर क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस था। तो आपको क्या करना है, बस ये जो माइनस है इसको बस प्लस ही कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर वैल्यू क्या था, माइनस था, यहाँ पर प्लस करेंगे, ओके, और वैल्यू में कुछ फर्क नहीं। तो अच्छी तरह से दोनों फॉर्मूले का वैल्यू देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्मूला यह है, सेकेंड फॉर्मूला ये है। तो थर्ड फॉर्मूला को देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वही एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई टू। यहाँ पर भी स्क्वायर बाई टू था दोस्तों, और यहाँ पर भी स्क्वायर बाई टू है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्क्वायर है। अगर ये वैल्यू उलट गया है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, उसको नहीं दोहराएंगे, उसको क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस्ड, इसी से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसी फॉर्मूला के बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन मिलेगा, एसआई 7.7 का पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इंटीग्रेट कीजिए रूट ओवर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर। तो इस 4 को आप 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या हो गया आपका, a हो गया, a का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। फॉर्मूला क्या निकला, स्क्वायर माइनस स्क्वायर। आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि इस स्क्वायर माइनस स्क्वायर अगर रूट ओवर में होगा तो इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, एक्स बाई टू रूट ओवर स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस तरह अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये जो ए है एक्स बाई टू फॉर्मूला की तरह, एक्स बाई टू रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस क्या होगा, प्लस स्क्वायर बाई टू होगा। ए कितना है, टू है, टू का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है, टू है, टू पड़ा प्लस सी, ओके। तो ये टू से डबल टू था, ऊपर एक टू कट गया, क्या हो गया, फोर माइनस स्क्वायर क्या हो गया आपका आंसर, एक्स बाई टू रूट ऑफ फोर माइनस स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन था आपका पहला, आपका दूसरा क्वेश्चन है। हम चार नंबर डायरेक्टली ले लिए हैं क्योंकि हम कुछ आसान सवाल को आपके लिए छोड़ दिए हैं और डिफिकल्ट जो आपके लिए टिपिकल है उसको हम ले लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, इसको हम एक फॉर्मेट में लाएंगे। जो हमने आपको तीन फॉर्मूला दिए थे उस फॉर्मेट में लाने तक हमको इसको कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए ये जो फोर एक्स है और यहाँ पर वन है, यहाँ भी एक फोर लाना है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मेट लाना है। इसलिए क्या करेंगे, इस वन को इस फोर के जैसे हम देखिए, हाँ यहाँ पर हमने आपको लिख कर दिखा दिया है, स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन है यहाँ पर। तो ये वन को आप फोर के तरफ से तोड़ेंगे, फोर के तरफ से अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वन के बदले क्या पुट किया, फोर माइनस थ्री पुट किया। तो फोर माइनस थ्री अगर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये फोर एक्स को तोड़ेंगे तो टू इंटू टू एक्स इंटू टू हो जाएगा, टू इंटू टू एक्स इंटू टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर एक्स को अगर हम तोड़ेंगे तो टू इंटू एक्स इंटू टू हो जाएगा। ये एक्स क्या है, ये ए है, ये टू क्या है, बी है। यहाँ पर अगर हम ए और बी का वैल्यू देखेंगे तो स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये फोर किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम कंज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या बचा, थ्री बचा। लेकिन हमको को कैसा फॉर्मेट लाना है, हमको इस तरह के फॉर्मेट लाना है, किस तरह के फॉर्मेट लाना है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फॉर्मेट लाना है। देखिए यहाँ पर आपको एक्स का फॉर्मेट है, लेकिन ये जो एक है ये ए है, लेकिन बट इसको क्या करना चाहिए, इसको हमें
इसका स्क्वायर कर देना चाहिए। किसका स्क्वायर करेंगे, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ पर a कितना हुआ, रूट 3 हुआ, और x कितना हुआ, x प्लस 2 हुआ। अगर इस x प्लस 2 को हम t ले जाएंगे तो ऐसे ही हम इस इक्वेशन को सजा कर लिख पाएंगे, x प्लस 1 को हम x प्लस 2 को हम t ले लिए हैं, तो इस x प्लस 2 को अगर हम t ले लिए हैं तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अगर इसको x भाग, इसको t सोचेंगे, इसको a सोचेंगे, तो क्या हो जाएगा, t बाई 2 फार्मूला के तरफ। ओके, थर्ड फार्मूला आप याद कर लीजिए, सेकंड फार्मूला टी बाई 2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस जो भी होगा यहाँ होगा, यहाँ पर भी वही होगा, माइनस स्क्वायर बाई 2, जो a यहाँ होगा वो ये यहाँ होगा, लॉग t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू था टी बाई 2 रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर बाई 2 लॉग टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर मोड खत्म प्लस सी था। यहाँ पर हम अगर टी का वैल्यू पुट करेंगे, क्या था टी का वैल्यू, एस प्लस 2 था, हमने लिया था टी का वैल्यू आसान करने के लिए। यहाँ पर भी टी का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर आपका जो रूट 3 का होल स्क्वायर था 3 हो गया, 3 बाई 2 हो गया, लॉग उस टी का वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया, एस प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर भी उस टी का वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और रूट 3 का स्क्वायर कितना है, 3 है, प्लस सी है। देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू हमने कन्वर्ट करके लिया था उसको अगर हम फिर से खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना, क्वेश्चन जिस तरह था उस तरह ही हो जाएगा, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 को अगर हम खोल देंगे तो स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एस प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1 हो जाएगा। इसको खोल देने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर चला गया, एस प्लस 2 बाई 2 रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 लॉग मोड ऑफ एस प्लस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1 का मोड खत्म प्लस सी। ओके, टिल देन बाय।